नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह से होंगे। आज 8 जुलाई है, जिसका बेसब्री से सभी को इंतजार था। ललितपुर जनपद में ब्लॉक प्रमुख पद पर नामांकन पत्र दाखिल होने की आज अंतिम तारीख है। आज की तारीख में ललितपुर जनपद में ब्लॉक प्रमुख पद के जो दावेदार हैं, वो अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे इसी के क्रम में हम बता दें, कागज विकासखंड की व्यवस्थाओं के बारे में बताएं। तो कागज विकासखंड की व्यवस्थाओं की बात करें तो ये गेट नंबर 2 है, जो हम आपको दिखाते हैं। ये सीधा विकासखंड तक जाता है। यहाँ पर देखिए, पुलिस व्यवस्था पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से पुलिस तैनात है। यहाँ हर आने जाने पर निगाह रखी जा रही है। हालांकि किसी को जाने की यहाँ पर अनुमति नहीं है। यहाँ पर केवल प्रत्याशी व एक समर्थक को अंदर जाने की अनुमति होगी। तो वही हम आगे की बात करें, आगे भी ले चलते हैं। आगे हम विकासखंड चलते हैं। विकासखंड का ये परिसर है, देखिए पूरा ये छावनी में बदला हुआ है। यहाँ पर चारों तरफ आपको पुलिस ही पुलिस देखेगी। यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ के जो कमान है पूरी सीओ के सम्राट व कोतवाल कांता प्रसाद ने संभाली हुई है। वह दल बल के साथ मौजूद है और जिस तरह से हमारी बात हुई अधिकारियों को, उनका कहना है कि यहाँ पर पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम है पुलिस के। और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मणिपुर स्कीम पर पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो गया है विकासखंड काल विहार। और अगर हम बात करें तो पुलिस ने साफ तौर पर संकेत दे दिया है कि यहाँ पर पुलिस की पहली नजर है, चप्पे चप्पे पर पुलिस है और कोई भी अराजक हरकत कतई बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। इसके लिए पूरी तरह से पुलिस सतर्क है और पूरी तरह से तैयार है। हम बता दें पूरी तरह से छावनी में तब्दील है। और सीओ के सम्राट व कोतवाल कांता प्रसाद ने साफ कर दिया है कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पूरी तरह से पुलिस तैयार है हर स्थिति से निपटने के लिए। लेकिन उनका दावा है कि पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से यहां पर नामांकन होगा और नामांकन करने वाले की बात करें तो एक ही प्रत्याशी के साथ एक समर्थक जा पाएगा। वहीं किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। पुलिस की प्रशासन की जिस तरह से सुबह से विकास में व्यवस्था है, ये कहीं ना कहीं अच्छी पहल है, ये कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत। और हम आपको आगे का अपडेट भी बताएंगे, विकासखंड तालवेट में किस तरह से नॉमिनेशन हो रहा है, उसके हालात से भी रूबरू कराएंगे। फिलहाल अभी हमारा इतना ही अपडेट है कि विकासखंड तालवेट में सीओ के सम्राट व कोतवाल कांता प्रसाद ने कमान संभाल ली है। पूरा विकासखंड छावनी में तब्दील है। यहाँ पर परिंदा भी पर मानने की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ पर किसी की आवाजाही संभव नहीं है। वही आगे के अपडेट से भी हम आपको रूबरू कराएंगे। तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा।